सोचो लोग पड़ोसियों के टीवी फोड़ देंगे क्योंकि आपने तो उन्होंने अर्चना स्पेशल में ही फोड़ दिए थे। इसीलिए आज मैं अर्चना नहीं करने वाली, मैं सलोनी करने वाली हूँ। प्लीज एंजॉय करना, वरना अगर दोबारा अर्चना करने का मौका मिला तो अर्चना बहुत गंदा करूंगी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं कॉमेडी सर्कस में कैसे आई और कब आई। हेलो बेटी। हेलो, कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर अंकल आप? अरे इतना क्लियरली बताने की क्या जरूरत है बेटा। राजीव भैया कैरेक्टर आप कर रहे हो, लोगों को बिना बताए पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो। चाहे नकली है, हंस रहा हूँ ना, जजिस को पता चल जाएगा। तुम बताओ बेटा, कॉमेडी सर्कस करोगे? वही सुलिंदर अंकल वाला शो? नहीं नहीं बेटा, जिसमें कॉमेडियन भी आते हैं वो वाला शो। हाँ, पहले मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दूध पीना है। अरे दूध ये लो बेटा। आहा, मुझे और ज्यादा चाहिए। ज्यादा? मैं प्रोड्यूसर हूँ ना, किसी भी चीज को ज्यादा कर सकता हूँ। और ज्यादा प्रोड्यूसर हूं, दूध में पानी मिलाना मेरा काम है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रोड्यूसर हूं, पेमेंट काटना मेरा काम है। बेटा तुम ये सब छोड़ो, ये गोली खाओ। अंकल गोली को मत बोलो, सीधा सीधा पैसे की बात करो। कितने पैसे लोगी बेटा? 5 लाख। बेटा छोटा सा तुम्हारा मुंह है, 500 मांगो। अंकल 100 में मैं नहीं, अर्चना आंटी आती है। बेटा ना तेरी ना मेरी, 600 है। अंकल टाइम खोटी मत करो, दूसरे चैनल वाले आ जाएंगे। अरे 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 बेटा ये लो अपना चेक और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। हाँ अरे साइन तो कर दो। भूल गया था बेटा? भूल नहीं गए, आदत नहीं है ना। बहुत नटखट हो तुम बेटा। अरे गोली तो देते जाओ। बेटा तुम्हें चेक दे दिया, तुम्हें गोली की क्या जरूरत है? अभी अर्चना को साइन करना है, गोली की जरूरत वहाँ पड़ेगी। बेटा अर्चना जी यहाँ तो जादू अब शुरू हुआ है, लेकिन मेरे साथ तो पहले से ही हो रहा था जब खड़े खड़े मेरा चेक गायब हो गया था। ये प्रोड्यूसर नहीं जादूगर है जो लोगों के चेक गायब कर देता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके सामने शूटिंग करती हूँ ना, लेकिन मैं स्कूल भी जाती हूँ। और पता है मैं बिल्कुल आपके जैसे नहीं हूँ, मैं सिर्फ बुक्स लेके जाती हूँ स्कूल में, डंबल्स नहीं। मैं अपना टिफिन खा के दूसरों का टिफिन नहीं खाती। मैं तो बहुत बोली बाली हूँ और सब टीचर्स की फेवरेट भी हूँ, वो हमेशा मुझे ढूंढती रहती है। सलोनी 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 बदतमीज, मुझे बाथरूम में क्यों बंद करके आई थी तू? लेकिन मैंने तो मैथ्स वाले सर को बंद किया था। आया है तो उनके साथ मैं भी तो थी। मैडम आप बहुत बोलिए, आप उनका पीछा छोड़ दो। क्यों? अरे वो जुबान के पक्के नहीं है, कल कह रहे थे 5 और 2 7 होते हैं, और आज भी कह रहे थे 4 और 3 भी 7 होते हैं। हाय हाय, और मुझे कह रहा था 6 और 1 7 होते हैं, झूठा कहीं का। देखो अभी ये हाल है तो शादी के बाद कितना झूठ बोलेंगे। हाँ तो बोलता रहे, अपनी बीवी के साथ बोलेगा, मुझे क्या लेना देना है। हाँ पर तुम अपना होमवर्क दिखाओ। होमवर्क नहीं किया, राजेश खन्ना दिखा दूं। पुष्पा I hate tears रे। मुझे तुम्हारा राजेश खन्ना नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। इतना तो अर्चना आंटी नहीं भड़कती रिपीट करने पे जितना आप भड़क रही हो। कमाल कर रही हो, बेचारी किस मुंह से भड़केगी, हर एपिसोड में खुद तो सेम करेक्टर करती है। I wanna take you home. चलो अपनी कॉपी दिखाओ। ये क्या है, सारी कॉपी खाली है? खाली है? मम्मी बिना काम चोर हो गई है। खबरदार, जो चोर कहा तो मेरे अंदर का ठाकुर हर्ट हो जाता है। अरे मैडम काम तो किया है। तो ये कैसे हो गया, अभी तो खाली थी। मैडम ये भी एक बीमारी है, हा? देखो। अरे ये कलर कैसे हो गई सारी? अरे मैडम जादू का शो है, क्यों एक्सप्लेनेशन में घुस रही हो? ये स्कूल है, यहाँ जादू नहीं चलते, यहाँ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, समझी? बताओ नाच ना जाने आंगन डैश, नाच ना जाने आंगन सुरिंदर। बेटा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होता है। मैडम सुरिंदर भी कौन सा सीधा है।
चलो बेटा अब मैथ का सवाल बताओ, एक और एक कितने होते हैं? वन स्क्वायर। एक और एक कितने? वन स्क्वायर। नहीं, करके देख लो। करके ये, अरे जब से ये कॉमेडी सर्कल के जादू में तू गई है ना, तब से तुझे बहुत ऊटपटांग जादू आ रहे हैं। मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। ये बताओ गोलमाल ट्रीट होगी कि नहीं होगी? बेटा पूछने का क्या फायदा, अब तो रोहित है नहीं, अब चाहे हिट हो ना हो हमें क्या लेना देना। जब यहाँ पर बैठे हुए थे तब नहीं पूछ सकती थी, हम सेमीफाइनल में इलिमिनेट होने से बच जाते। अब पूछना तो ये पूछो, बदमाश कंपनी 2 हिट होगी कि नहीं होगी? अरे इतनी जल्दी बैल हो गई, कमाल है भाई। देखा जादू काम आ गया, और सबसे बड़ा जादू तो ये है कि सुरेंद्र अंकल ने टाइम पर बैल बजा दी। बच्चों से काम कराना बंद करो प्लीज। गौर से देखिए, शेखर जी मुझे नहीं, इन बच्चों को देखिए, इनकी उम्र को देखिए और इसके टैलेंट को देखिए। नहीं, बच्चों को 9 बजे के बाद शूटिंग नहीं करवानी चाहिए। आंटी 11 बज गए, शूटिंग खत्म हो गई, मैं जा रही हूँ। नहीं 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 बेटा, हमारे लिए इंटरव्यू तो देके जाओ। बोलो बोलो बोलो, हमारे चैनल के लिए बोलो के हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे एक बार राजेश खन्ना की आवाज में बोलो ना, हैप्पी दिवाली रे। एक बार इधर मुंह करके बोलो ना, हैप्पी दिवाली रे। ये मैं अगले साल लगाऊंगी। एक बार देवानंद की आवाज में बोलो, हैप्पी दिवाली। देखा, बच्चों को घर नहीं जाने दिया जाता, जबरदस्ती शूटिंग करवाई जाती है। एक मिनट बेटा, सुरेंद्र की आवाज में बोलो, बच्चे हैप्पी दिवाली है। एक मिनट, देखो बच्चों उस पे कितना ओवरलोड है। बेटा एक बार अर्चना की आवाज में बोलो, हैप्पी दिवाली। देखा कितना काम करवाया जाता है बच्चों से, क्या मिलता है इतना काम करवा के बच्चों से? 5 लाख। 5? कितने होते हैं 5 लाख? हैं, बोरी में भर के घर ले जाती सो? मुझे क्या पता, मम्मी बोरी में भर के ले जाती है। किधर है मम्मीज? मम्मीज किधर हैं? बेटा एक मेरी बेटी है, कुछ नहीं करती, सारा दिन कार्टून्स देखती रहती है, उसको काम मिलेगा? आंटी आपने तो कहा ना, बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? इतनी महंगाई है, 5 लाख। अच्छा 5 लाख सुनते हैं आपकी बड़बड़ बंद हो गई। आंटी मैं मजाक कर रही थी, और वैसे भी आप भी वहाँ आती है जहाँ पब्लिसिटी मिलती है। अगर बचाना है तो उन बच्चों को बचाओ जो चाय की दुकान पर बर्तन धो रहे हैं, जो चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहे हैं, और ये सब करने के लिए मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी